समाधि की धूलि है। हरी कथा कहाँ आएगी? मंदिर में। अभी कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। परिक्रमा कर रहे हैं। बंदर है रस्ते। बढ़िया बन गया लेकिन जब बिलु बना फूल फल तो नाना विधा
ಅಮೃತವನ ಫುಲ್ಲ ಫಲತ ನಾನ ಮನರದಿಯ ರವೀಂದ ಮನುಷ್ಯ ರವೀಂದ ಸೋಮತು ಕರ ಬಿನು ಪಾನ ಕುಂಜಾನತ ಸೋಮತು ಕರ ಬಿನು ಪಾನ ಕುಂಜಾನ ಸೋಮತು ಕರ ಬಿನು ಪಾನ ಕುಂಜಾನತ ಮಧು ಕರ ಬಿನು ಪಾನ ಕುಂಜಾನ
गोस्वामी प्रभु की जय। श्री राधा दामोदर की जय। जय श्री रूप गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय। इति पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे आप लोग थोड़ा थोड़ा सामने आ जाए, बहुत भक्त लोग हैं, बैठने की जगह नहीं मिल रही, खड़ा होने के भी। आप लोग थोड़ा थोड़ा जहाँ भी जगह है बैठ जाए, आप परिक्रमा का रास्ता छोड़ के बैठे। बहुत दर्शनार्थी परिक्रमा कर रहे हैं, उन लोगों की परिक्रमा में बाधा ना हो थोड़ा रास्ता छोड़ के बैठेंगे। इधर उधर जहाँ भी स्थान मिल जाए बैठ जाए, जहाँ भी स्थान हो कृपया बैठ जाए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकारियुगले किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवि सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हाथ उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर हम लोगों के परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज समस्त परिकरों के साथ श्रील प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर विशेष करके जिनके आज तिरुभाव तिथि श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट संस्थापक श्रील रूप गोस्वामी पाद एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रति निवेदन करता हूँ। तदनंतर पूज्यपाद श्री तीर्थ महाराज श्री श्रीधर महाराज संत महाराज नरसिंह महाराज और जो भी सन्यासीगण हैं सबके चरण में शतकोटि नमन। पतित वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग के प्रिय गुरुदेव हम लोग के प्राण स्वरूप श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज इस प्रथा को चालू करके गए कि रूप सनातन के जो वार्षिक उत्सव है चुलन यात्रा, इसमें तीन दिन सभा की व्यवस्था, जिसमें उनके अनुगत्य में हम लोग इधर हर साल आते थे, आज भी उन्हीं के अनुगत्य में आए। उधर स्थान न होने के कारण हम इधर बैठे हैं। अब रूप गोस्वामी के गुणगान हम लोग कीर्तन करेंगे और बहुत वक्ता हैं, सब
कम समय में उनकी चरण में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। मैं सबसे पहले से तीर्थमारी से अनुरोध करता हूँ श्री रूप गोस्वामी के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री तीर्थ महाराज जी। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आददानं स्त्रीणं दन्ते हृदं जाति पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुजधुरि स्याद् जन्मनि जन्मनि। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पदों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद, समस्त सन्यासी वृंद, वैष्णव मंडली, भक्त मंडली, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। आज श्रील रूप गोस्वामी जी की विरह तिथि है, तो आज के दिन में उनकी चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित होते हैं। कई वर्षों से हम लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी पर आप सभी लोग जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अंतरंग मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले, उनके हार्दिक अभिप्राय को जानने वाले, समझने वाले, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मथुरा से पठाई तो दो सेनापति मथुरा में भेजा, जो कि श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। क्या कर रहे हो भाई, इधर क्यों कर रहे हो? श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों को ब्रज में भेजा है, जबकि महाप्रभु जी ने यह आदेश दिया कि वृंदावन में जाएं, ब्रजभूमि को पुनरुद्धार करें और शिव विग्रह का प्रकाश करें, अपना भजन आदर्शों को प्रस्तुत करते हुए जो कि सबको सिखाएं। दूसरी बात और चौथी बात है कि भक्ति रस ग्रंथों को प्रणयन करके सबको सिखाया जाए कि इसको दिखाया जाए। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद इस ब्रजभूमि में वृंदावन में आए और यहीं पर रहते हुए उन्होंने जो कि चार काम को पूर्ण किया, शिव विग्रह को प्रकाशित किया जो कि श्री गोविंद देव उनकी स्थापना के प्रकाश किया, जो पहले पंचनाम के द्वारा प्रकाशित होते हुए भी बहुत लंबे समय तक सेवा पूजा चली, परंतु कई कारणों से बहुत गड़बड़ियाँ आए और फिर उस कालाजुग को निकालते हुए बोले कि फिर से प्रकाश में लाए और श्री गोविंद देव की सेवा को विस्तार किया और उन्होंने अपना भजन आदर्श को प्रस्तुत किया। दूसरी बात, जबकि यहाँ पर ब्रज वृंदावन को पुनरुद्धार किया, सब जगह लुप्त हो गया था, सारे लुप्त स्थानों को पुनरुद्धार किया और भक्ति ग्रंथ का प्रणयन किया जो कि उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, हंसदूत, पद्मावली आदि आदि ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है श्रील रूप गोस्वामी पाद ने लख श्लोके कैल राधा कृष्ण लीला वर्णन, 1,00,000 श्लोकों में उन्होंने राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन किया है और भक्ति रस के साम्राज्य को विस्तार किया जिसमें भक्ति कैसे की जाए। जबकि श्री चैतन्य श्री रूप गोस्वामी जी यहाँ से जगन्नाथपुरी को गए, पुरी धाम में जा कर के श्री हरिदास ठाकुर जी के वहाँ रहते थे और वहीं से रथ यात्रा में महाप्रभु जी के जो मनोभीष्ट था, अंतरंग अभिप्राय, उनको भी टटोल लिया और उसी के अनुरूप श्लोक बना करके कुरुक्षेत्र के भाव को प्रकाश कर दिया, जो चैतन्य महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, सभी भक्तों को ले करके आए और उनके लिखे हुए ग्रंथ को पहले महाप्रभु जी
और सभी भक्त लोग श्रवण किए, बोले कि क्या लिखा है देखें। तो उसमें जबकि उन्होंने अनर पिता चरिम चिरा करुणया बतेन कलौ समर्पित उन्नत उज्जवल रसाम सभक्ते श्रियम, इस श्लोक को लिखा और सुनाना, सभी लोग बड़े भावादी और बड़े खुश हुए, बड़े आनंदे। तो महाप्रभु बोले एक घड़ा दूध में थोड़ा सा सूरा डाल दिया, शराब डाल दिया, गड़बड़ कर दिया। तो सभी लोग बोले प्रभु ये तो एक घड़ा दूध में एक बूंद कर्पूर डाल दिया गया, जिससे और सुगंध बना दिया, तो ये परम अमृत और परम मधुर बना। तो इसके पश्चात ललित माधव विदग्ध माधव नाटक के सारे शैलियों को श्रवण किया, सभी लोग सुन करके बड़े खुश हुए। महाप्रभु जी सभी भक्तों से बोले कि देखिए आप सभी लोग श्री रूप पर कृपा आशीर्वाद करें कि इनके अंदर शक्ति संचार हो और भक्ति रस को विस्तार करें। तो सभी भक्तों ने कहा प्रभु जब आपने ही विस्तार कर दिया, आपने प्रेरणा दे दी, फिर पूजन रह गया क्या? तो भी महाप्रभु जी सभी भक्तों से श्री रूप गोस्वामी जी के लिए इस तरह से कृपा आशीर्वाद स्नेह संदेश मांगा। और ऐसे ही महाप्रभु जी के जो अंतरंग प्रिय परिकरों में जो श्री रूप मंजरी, जो राधा कृष्ण की लीलाओं में श्री रूप मंजरी जो राधा जी की प्रधान सेविका हैं, और वही श्री रूप गोस्वामी बन करके आए गौर लीला में, जो महाप्रभु जी के अंतरंग मनोभीष्ट को पूर्ण किया, तो उसमें उन्होंने भक्ति रस को विस्तारित किया है। जैसे भक्ति रस में सिंधु में उन्होंने प्रारंभ किया अन्ना विलासिता सुन्नम श्लोक से, जो कि समस्त प्रकार अभिलाषाओं को इच्छाओं को छोड़कर त्याग कर संपूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में मन प्राण हृदय समर्पित करें, कृष्णानुशीलन यह उत्तमा भक्ति है। वहीं से प्रारंभ करके उन्होंने कहा भक्ति दो प्रकार से, एक वैदिक भक्ति और दूसरी है रागानुगा भक्ति, जो कि वैदिक भक्ति में केवल विधि नियमों को पालन करना होता है, भक्ति के जितने भी प्रोसेस हैं उनको अवश्य फॉलो करें। तो ये सभी विधि नियम कहा गया है, रूल रेगुलेशन, तो इन नियमों का पालन करते हुए लोग भक्ति करते हैं, ठीक है। तो इसमें 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है, जिसमें 10 प्रकार की गुरु सेवा, 32 प्रकार के सेवा अपराध, 10 प्रकार के नाम अपराध, और भक्ति के जो अनुकूल में गौ सेवा, धात्री गो अश्वत्थ सेवा इत्यादि दिखाया गया, एकादशी आदि व्रत का पालन, और 9 प्रकार की भक्ति को मुख्य दिखाया गया, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन बंधन दास्य चक्र आत्मनिवेदन। उनमें भी 5 प्रकार की भक्ति की विशेषता दी है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास धामवास श्रीमूर्ति श्रद्धापूर्वक सेवा, ये 5 भक्ति के अंग श्री रूप गोस्वामी पाद ने यह भी चेतावनी दी है। हर कोई साधक व्यक्ति साधन तो कर रहे हैं परंतु अपराध से बचे, यदि जीवन में कोई अपराध नहीं है और निरपराधी होकर के निष्कपट रूप से सरल सीधे रूप से भजन कर रहे हैं तो भक्ति में अति सहज रूप में अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए इसको कहा गया है कि सत्याम भाव जन्म ने निरपराध चित्ता, जीवन में कोई अपराध नहीं बनाए नहीं करें तो अवश्य 5 भक्ति के अंगों का अल्प अल्प अनुष्ठान करेंगे तो भी भाव उत्पन्न होगा। इसलिए श्रील भक्ति रस में सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि देखिए हम सभी लोग भजन करते हैं, भजन करते करते त्याग वैराग्य आदि के साथ हम काफी ऊपर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े साधु भी हम बन सकते हैं, परंतु ज्ञान तो सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यत सेव साधन शास्त्र हरिभक्ति सुदुर्लभा। बोले कि भजन तो
सभी लोग भजन कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, परंतु भाव भक्ति जो है वह अत्यंत सुदुर्लभ है, वो नहीं मिलने वाला है। साधन करके सभी लोग बड़े उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं, भाव भक्ति कहाँ से मिलेगा? जबकि सजातीय आसन स्निग्ध सतोवरे, श्री रूप गोस्वामी बात कहते हैं, सजातीय हमारे प्रति स्नेहशील करुणा परायण, और जो कि समान जातीय हो उनकी भावना भी वैसी हो और अपने भाव को दे सकते हैं। भाव कहाँ है? उनके हृदय में, उन वही लोग दे सकते हैं, तब ये भाव आएगा। भाव किसी साधन से नहीं आता है, अतः ब्रजभाव को पाना बड़ा कठिन काम है। यह केवल अनुव्यक्त के द्वारा गुरु वैष्णवों की कृपा से यह भाव आता है। इस प्रकार भजन करते हुए बोले कि श्रील रूप गोस्वामी पाद का विशेष अवदान क्या है, उन्होंने भक्ति के विचारों को दिखाया। तो भक्ति के विचारों को दिखाया जिसमें बोले कि रागानुगा भक्ति में तो सभी लोग रागानुगा हैं, सभी रस के भक्त भी रागानुगा हैं, परंतु उनमें रूपानुगत तो एक विशेषत्व श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो दिखाया, जो कि भक्ति में कामानुगा और संबंधानुगा दो तरह की भक्ति होती है, एक संबंध के द्वारा, एक कामानुगा स्वाभाविक प्रेम से हृदय से भावना से जोड़ करके भक्ति करना भजन करना, और उसमें भी संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी। जितने भी साधु संत हैं, भजन करने वाले जितने भी रसिक संप्रदाय हैं, सभी लोग सखी भाव तक ही लिए हैं और गोपी भाव सखी भाव तक ले करके भजन करते रहे, परंतु तत्त भाव इच्छामयी भक्ति में क्या है? मंजरियों के भाव और उनके अनुगत में उनके भाव को फॉलो करके और उस भाव के सिद्धि के लिए भजन कर रहे हैं, ये मंजरी भाव है। तब कोई व्यक्ति राधा जी की और कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं होता। इसलिए इस मंजरी भाव को विशेषत्व दिखाते हुए तत्त भावेच्छमयी जो हमारे सभी गुरु वर्ग हैं, भाई सभी लोग मंजरी भाव में ही रहे और उसी प्रकार से भजन किया और उस भाव की उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और राधा गोविंद की लीला में सेवा में प्रवेश किया। इसलिए गुरुवर्य ने यही सिखाया कि वैष्णव अनुगत गुरुवानुगत अनुगत छोड़ करके जहाँ हम कहीं जाएंगे अकेले अकेले भजन करेंगे सारा चौपट होता जाएगा, कभी भी ये संभव नहीं। इसलिए गुरु वैष्णवों के अनुगत में रह करके इस भाव को पाने के लिए भजन करें, ये भाव की सिद्धि ही हमारे भजन का अंतिम पर्याय है कि यहाँ हमें उतना करना होगा। इस जन्म में गुरु जी कहते थे, बोले भाई आप लोग सब सुन लो, इस जन्म में नहीं होता है कोई बात नहीं, थोड़ा सुन तो लो, विचारों को धारण कर लो और ये रह जाएगा तो अगले जन्म में भी वही लोभ लालसा आ जाएगी और फिर आगे बढ़ा देंगे, पहुंचा देंगे। तो इसलिए इस भाव को श्रवण करें, विचारों को श्रवण करें और इस विचार में प्रवेश करें। श्री रूप गोस्वामी जी के इस प्रकार महान वैशिष्ट्य हैं। अभी वैष्णवगण और कथाएं कहेंगे, इसलिए मैं यहीं पर रखता हूँ। गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्णा। आप लोगों ने अब तक श्री महाराज जी से श्रवण किया। महाराज दो बिंदुओं पर अधिक जोर डाला, एक है भाव के बारे में, भाव है कृपा सिद्ध, ये साधन सिद्ध नहीं, साधन करके किसी को भाव नहीं मिल सकता है, साधन तो करना ही पड़ेगा, इससे सिवाय कोई उपाय भी नहीं है। जब हमारे परिश्रम देख करके गुरुवर्ग का हृदय पिघल जाए तभी भाव संभव है। जैसे दिखाया, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शिष बंधने, माँ जसोदा का परिश्रम देख के कृष्ण बंधन में आए, ऐसे हमारे सेवा प्रचेष्टा देख कर की गुरुवर्गो का हृदय पिघलने पर तभी भाव संभव है। दूसरा महाराज जी ने बता दिया अनुगत, अनुगत सेवा संभव नहीं। दूसरे महाराज जी ने बताया
श्रीमन महाप्रभु समस्त परिकर से कहा आप सभी लोग मेरे रूप पर कृपा करें। इसलिए गुरुदेव से पूछा था क्या महाप्रभु कृपा करने पर नहीं होगा, सबको क्यों कह रहे हैं। गुरु जी मुस्कुराए, बोले देखो ये महाप्रभु स्वयं भगवान है और हमें जुगल किशोर की सेवा करने के लिए आश्रय जातियों का भाव जरूरत है, नहीं तो संभव नहीं। इसलिए महापुरुष सबको कृपा करने के लिए क्या क्यों, सब महापुरुष तो विषय है और सब आश्रय है। उन लोगों की भाव मिलने पर, उन लोगों की कृपा मिलने पर महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्वरूप से अधिक रूप में प्रकाश कर सकते हैं। इसलिए बताया सब आप लोग मेरे रूप पर कृपा करें। अब मैं श्री श्रीधर भाई से अनुरोध करता हूँ रूप से चरण पुष्पांजलि प्रदान करें श्री श्रीधर महाराज। अभी लोग 10-10 मिनट बोलेंगे। ज्ञानतिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से बोलो बोला हरे नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील त्रिदंड पादगण तीर्थ महाराज, माधव महाराज, शांत महाराज, नरसिंह महाराज, सभी वैष्णव के चरण में यथाजुग प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है। आज श्री रूप गोस्वामी की तिरुभाव महामहोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए हम सबके सब उनकी समाधि और भजन पीठ पर हम सबके सब उपस्थित हुए हैं। कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब इसी जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आते, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपरसदसियो धाम सहावतारी। इसलिए श्री महाप्रभु पूरा धाम और परिकर को लेकर किसी जगत में आते हैं और आकर के क्या करते हैं, कहते अपना जो मनोभीष्ट को अभी जो श्रवण कर रहे थे रूप गोस्वामी के लिए बताया श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतल। जिन्होंने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जो मन जो अभीष्ट इच्छा को जिन्होंने स्थापित किया, इसलिए श्रीमान महाप्रभु कहते एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक अभीष्ट स्थापन किया। इसलिए हमारे श्री लोचन दास ठाकुर एक बहुत सुंदर उन्होंने कीर्तन लिखा है, वो कीर्तन में कहते हैं एल गौर रस नदी कादबे मिहोए आसाइल गौर देश प्रेम वृष्टि दे। ये भजन में इतने सुंदर उन्होंने वर्णना की कौन सा भक्तों के द्वारा श्रीमन महाप्रभु ने क्या क्या उचित उन्होंने इच्छा स्थापन किया, बोले श्री जीव गोस्वामी को द्वारा उन्होंने क्या स्थापन किया, उनको उन तरह उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किया। कहते श्री राय रामानंद को द्वारा क्या किया, उन्होंने रस को स्थापन किया है। कहते हरिदास ठाकुर को द्वारा उन्होंने किया, बोले नामाचार्य नाम को उन्होंने स्थापन किया है। कहते श्री रूप गोस्वामी को द्वारा उन्होंने क्या किया है, वो भजन में कहते हैं चौसठी महान
मेघे शोभा करी रूप सय नतन दाहे हाई लबि जोगी। वो उदाहरण देते हैं जैसे सिर्फ मेघ बड़े सुंदर है लेकिन उसमें जो बिजली चमकती है और उसकी और भी शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह उन्होंने श्री रूप और सनातन के द्वारा उन्होंने उदाहरण दिया है जैसे बिजली जैसी, जैसे उसमें और उन्होंने शोभायमान हुए हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी, इसलिए इनका नाम किसने प्रदान किया रूप है, बोले श्रीमान महाप्रभु स्वयं। इनका नाम पहले तो दोनों भैया का नाम अमर संतोष था, जब उन्होंने मुसलमान के अधीन में काम किए दबी खास और साकल पल्ली उन्होंने नाम रखा था, लेकिन जब श्री महाप्रभु के पास में आए तब इनका नाम उन्होंने रूप और सनातन नाम रखा। ये महाप्रभु ने ही इनका नाम श्री रूप नाम रखा। बोले भैया रूप का मतलब क्या होता है, क्या रूप का मतलब होता है, इसकी बहुत सारे अर्थ होता है। एक अर्थ है बोले रूपायति इति रूप, जिन्होंने भक्ति की हर वस्तु को जिन्होंने रूप प्रदान किया है। इसलिए कभी कर्ण को रूप तो उन्होंने झरी लगा दिए, बोले प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे दतान रूपे स्विलास रूपे प्रभु रेख रूपे, उन्होंने तो रूप भी उन्होंने झरी लगा दिया। क्यों इनका नाम रूप हुआ है, इसलिए इनका एक नाम रूप हुआ है कह रहे हैं बोले दतान रूपे। दतान मतलब होता है विस्तार करना, संस्कृत शब्द तनु विस्तारे, इसलिए उन्होंने क्या विस्तार किया है। इसलिए कहते हैं जैसे भागवत का प्रथम श्लोक में बताए बोले तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे मुहि जत सुर, जैसे भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को हृदय में सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने स्पूर्ण किया, कहते उसी तरह श्रीमन महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी के हृदय में भी सारे तत्व को उन्होंने स्फूर्ण, उन्होंने तत्व को स्फूर्ण किया। उन्होंने जैसे श्री चैतन्य चैतामृत में राय रामानंद संवाद में बताए संचार के रामानंद भक्त में है, इसलिए कहते हैं जैसे श्रीमन महाप्रभु श्री राय रामानंद को हृदय में सारे तत्व को स्मरण कराया, लेकिन जब उनसे श्रवण करते हैं महाप्रभु कहते अभी मेरे को रस की प्राप्ति थी, कहते उसी तरह श्रीमन महाप्रभु भी श्री रूप गोस्वामी के हृदय में कहते उन्होंने सब कुछ तत्वों को उन्होंने स्मरण कराया। इसलिए गुरुपाद पद में कहते हैं ये प्रयाग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी का हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान को उनके हृदय में उन्होंने स्फुरण उन्होंने कराया है, सारे तत्व को स्फुरण कराया। इसलिए उसमें महाप्रभु कहते थे रूप कहते जो भक्ति है ये एक रस समुद्र है, लेकिन ये रस समुद्र में तुमको एक में बूंद चखवा रहा हूँ, लेकिन उनके लिए तो एक बूंद है, लेकिन वो बूंद को लेकर उन्होंने क्या किया पूरा भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को उन्होंने बूंद को एक ग्रंथ विशाल उन्होंने रस ग्रीप उन्होंने प्रवृत्ति उन्होंने प्रदान की है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी, इसलिए श्री गुरुदेव कहते हैं अगर श्री रूप गोस्वामी अगर इस जगत में नहीं आते, अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे जम कली रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि उठने को कौन उधारत, अगर श्री रूप गोस्वामी कलिजुग में नहीं आते कहते जो प्रेम रस की जो महासमुद्र कहते उस गुरुदेव कहते उसमें दो कपाट था, कहते ये कपाट को खोला किसने बोले श्री रूप गोस्वामी, कहते उसमें दो कपाट है क्या चीज बोले एक है श्री भक्ति रसामृत सिंधु और एक है श्री उज्ज्वल नीलमणि। ये जो दो ग्रंथ हमारी संप्रदाय में ये अनमोल ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी ने उन्होंने स्थापन किया। अभी श्री तीर्थ महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे थे कहते उन्होंने इसका नाम रूप मतलब सबका जो रूप प्रदान किया, बोले किसकी बोले साधन कहते किसको भाव कहते किसको प्रेम का क्या डेफिनेशन है। लेकिन अभी अभी श्री वृंदावन में पता नहीं कितने कितने अलग अलग संप्रदाय निकल गए, अभी इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने भी एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम श्री उपदेशामृत है, बोले श्री राधा दामोदर की। इसलिए कहते श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम कहते हैं श्री उपदेशामृत। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये उपदेशामृत है क्या जी, बोले ये उपदेशामृत जो सहजियाओं के लिए ये वज्र है, ये सहजियाओं के लिए ये वज्र है। अभी वृंदावन में ऐसे कुछ कुछ संप्रदाय हैं अभी अपक्व अवस्था में उनको बास उनको गोपी वेश देते थे,
अभी लड़का भी क्या करते हैं, उनको सर पर कपड़ा ओढ़ करके गोपी रूप में घूमते रहते हैं। कुछ दिन बाद में वो गोपी और एक गोपी को साथ में ले लेता है और एक गोपी को साथ में लेकर के फिर दोनों गोपी हो जाते हैं। नहीं, इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ये चीज को बहुत विरोध उन्होंने किया है। इसलिए उपदेशामृत ग्रंथ में जैसे क्लास हुआ 2, 3, 4 जैसे रूप गोस्वामी पहले श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति इसका जो उन्होंने क्रम दिखाया, इसलिए उपदेशामृत ग्रंथ में पहले वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम पहले ये वेग को कंट्रोल कर पहले तुम, उसके बाद में भक्ति का प्रतिकूल चीज को छोड़ो, भक्ति की अनुकूल वस्तु को ग्रहण करो, उसके बाद में हृदय से अनर्थ दूर हो, फिर जा करके ये भावावस्था में जा करके कहीं ये भाव जो जीव का जो सिद्ध स्वरूप प्रकाशित होता है। अभी होने से पहले उनको गोपी वेश बना दिया, सखी नाम दे दिया, मंजरी नाम दे दिया, लड्डू मंजरी, कचौड़ी मंजरी, रसगुल्ला मंजरी नाम दे दिया, अपक्व अवस्था में नाम दे दिया। कुछ दिन बाद में क्या हुआ, वो तो उसका स्थिति है ही नहीं। कुछ दिन बाद में जब किया देखा कुछ नहीं हो रहा, राधा दामोदर की, बोले राधा छैल चिकन की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी देखता है कुछ दिन बाद में कुछ नहीं होता है और उन्होंने कहीं गौड़ी मठ इस्कॉन से गए, लेकिन देखते भैया चाय पी रहे हैं, अभी बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं। बोले भैया आपने तो सब चीज देखा ही नहीं गौड़ी मठ में इस्कॉन में, फिर ये सब क्यों करते गए। उसको बाद में क्या होता है, फिर कहता है कुछ हुआ है, क्योंकि तो तुम्हारी स्थिति है ही नहीं, वो कहाँ भावावस्था। अभी क्लास में तुम आर्डिनेशन नहीं हुए हो, ए भी सीखे नहीं, अपने आप तुमको गोपी गोपी मानना शुरू कर दिया। फिर दूसरे क्या कहता है, सहज बोले तू मेरे पास में आ जा, उसका मंत्र ठीक नहीं, तू मेरे पास में आ जा। जब आता है इस चीज को ध्यान से सुनो, अच्छे तरह से सुनो, नहीं तो भटकते रहोगे जिंदगी भर। फिर जब दूसरों के पास में जाता है फिर वो क्या करता है, फिर वो और एक मंजरी और एक सखी और एक नाम दे देते हैं, फिर तो बड़ा कन्फ्यूज हो गया। क्यों, अगर हमारी ये नित्य सिद्ध स्वरूप होता तो फिर ये अलग संपूर्ण रूप में उन्होंने अलग नाम कैसे दे दिया। फिर क्या होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर नास्तिक बनकर घर वापस चले जाते। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ये सब चीज को प्रति उन्होंने बहुत सतर्कता बताया, कहते उन्होंने बहुत उन्होंने सतर्कता बोले, इधर उधर भटकते नहीं गौड़ीय मठ को छोड़ करके। इसलिए प्रभुपाद कौन है, बोले राधा रानी के नए नए मंदिर। और एक बात सुनो, और कुछ गोस्वामी लोग वृंदावन में वो क्या करते हैं, गोस्वामी लोग कहते नहीं हरिनाम जो दीक्षा है ना मंत्र, ये गोस्वामी के बगैर और कोई नहीं कर सकते हैं, केवल ब्राह्मण ही गुरु बन सकता है और कोई गुरु बन नहीं सकते हैं, केवल ये ब्राह्मण ही गुरु बन सकते हैं। ये कुछ लोगों को भड़काते हैं, भैया नरोत्तम दास ठाकुर कौन से जाति में थे, रघुनाथ दास गोस्वामी कौन सा कुल के थे, जीव गोस्वामी कौन सा, ये सब कोई ब्राह्मण कुल का कोई किया, कोई थे ही नहीं कोई, तो सबके सब। इसलिए ये ऐसे और कुछ कुछ लोग भटकाते हैं। इसलिए नहीं, इसलिए जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। इसलिए कुछ इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ये सब चीज को उपदेशामृत ग्रंथ में उनने जीव को उन्हें सावधान कर, साधु सावधान, इधर उधर भटकना नहीं तो डूब करके मर जाओगे डूब करके। इसलिए इनका नाम श्रीमद महाप्रभु ने इनका नाम रूप प्रदान किया है, क्योंकि हर चीज का उन्होंने रूप उन्होंने दिया है। इसलिए भावावस्था में जो लक्षण वो कहते हैं, शांति अव्यर्थ कालतम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रति तद बस स्थले। वो भाव का न लक्षण उन्होंने बताए, ऐसे नहीं वो तो भाव हो गया गोपी बन गए, नहीं, रूप गोस्वामी का तो इतना आसानी नहीं। ये भाव का ये नौ लक्षण बताए, अगर उसके अंदर भी ये नौ लक्षण दिखता है तब इसको भाव समझो, ऐसे नहीं दो दिन का भाव दिखा करके चलेंगे। इसलिए साधु सावधान रूप गोस्वामी कहते हैं, इसलिए उन्होंने अद्भुत अद्भुत, इसलिए महाप्रभु इनका नाम रूप नाम रखा है, क्योंकि हर चीज का उन्होंने रूप प्रदान किया है। कहते श्रीमद महाप्रभु जो रूप गोस्वामी ने बताए, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आ करके जो उन्होंने अनर्पित चरिचिरात करुण यावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग समर्पित। रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के लिए इन्होंने जो इस श्लोक को उन्होंने रचना किया है, महाप्रभु कौन है जो ब्रह्मा की एक दिन पहले दी गई थी, लेकिन दस कहते जिसमें 1000 चतुर्युग पहले जो दी गई थी वो दुर्लभ प्रेम का आकर के श्रीमन महाप्रभु वो दुर्लभ प्रेम को उन्होंने प्रदान किया। भैया वो दुर्लभ प्रेम है क्या,
इसलिए हम लोग श्रवण कर रहे थे, हमारे जितने गोस्वामी लोग हुए एक चीज को प्रार्थना किया, रूपानुगतो नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हरिवे आगो दे तबे हम को जब से जो गल दे, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। यदि रूप अनुभव भक्ति मनो ठाकुर क्या कहते हैं, सुनिया से साधु मुखे बोल सर्व जाना श्री रूप कृपाए मिले जो गल चरण। ये सब के सब कहते रूप गोस्वामी के बगैर राधा कृष्ण की सेवा जीवन को प्राप्त नहीं हो सकता है। कृष्णदास के ब्रज गोस्वामी कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे रम रास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। ये सारे गोस्वामी रूप गोस्वामी का भाव में सबके सब तदात्म हो गए हैं, उनके भाव में सबके सब उनके मिल गए और इनके भाव को सबके सब प्रार्थना करते बोले भैया वो चीज है क्या जी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ये उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में ये चीज को वर्णना करते हैं, कहते तो भगवान की चार तरह का सखियां हैं, सुपथ्य विपक्ष तटस्थ और श्रुतिपथ्य। कहते चार तरह का उन्होंने सखियों की वर्णना किया है। कुछ सखियां होती हैं जो कि विपक्ष, विपक्ष मतलब जो कृष्ण पक्ष में है, बोले सुपक्ष मतलब राधा रानी पक्ष में, बोले तटस्थ मतलब राधा कृष्ण दोनों पक्ष में। इसलिए कुछ ऐसे सखियां होती हैं जो कृष्ण कृष्ण को प्यार प्रेम करने वाले। अगर श्री राधा रानी कभी मान की ये लोग क्या कहते, बोले ये जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये जौवन को क्यों बर्बाद कर, जाओ ना कृष्ण से मिलो। कहते ये लोग कौन है, बोले ये कृष्ण पक्ष है। लेकिन कुछ होते हैं कहते तटस्थ है, बोले तटस्थ कौन है, कहते ललिता विशाखा जी तटस्थ पक्ष है। कहते इनकी भावना क्या है, बोले समभाव इनके अंदर में। इसलिए समभाव इनके अंदर में, ये भी हमारी उनकी भावना राधा कृष्ण दोनों एक ही है, बोले ज राधा साफी कृष्ण जहा राधा कृष्ण एव स एक ज्योति दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। इनका भावना है एक ज्योति ही वो दो रूप में श्री राधा गोविंद रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए लेकिन अगर उनको पल्ले में अगर तोला जाए तो इनका जो पल्ला जो सखियों की जो पल्ला है ये राधा जी तरफ में थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन और एक पक्ष है जो राधा पक्ष है जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिस जजने सजने भजे जेभावे सेभावे भजे आमित राधिका पक्ष पाती सदा कहो नाई हारी ताकि। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भले ही जो जिसको भजन करते ही करने दो, लेकिन हम तो श्री किशोर जी के पक्ष में राधा जी की साइड में। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ब्रज विपिने चंद्रे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते भैया रूपानुगत तो है क्या जी, हम बदीसा नाथ थे ब्रज विपिन चंद्र। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते भाई रूपानुगत क्यों आ सकते हैं, ये रूपानुगत तो मैं है क्या जी। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर हमें पूछा जाए भैया कृष्ण को साथ में तुम्हारे क्या संबंध, बोले भैया कृष्ण से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारी मतलब तो श्री राधा रानी के साथ। हाँ इसलिए कृष्ण के साथ में हमारी संबंध है चूंकि श्री श्याम सुंदर हमारे राधा रानी की ये प्रियतम लगते हैं, इसलिए हमसे दूर संबंध है। लेकिन नजदीक संबंध किसको साथ में, हमारी श्री राधा रानी को साथ में। इसलिए जो राधा पक्ष जो सखियां जो होती हैं प्राण सखी और नित्य सखी, कहते ये प्राण सखी जो नित्य सखी है वो केवल राधा की सुख में सुखी और राधा की दुख में दुखी। अभी यहाँ एक प्रश्न आता है, फिर ये क्या कृष्ण को नहीं चाहते, ये लोग क्या कृष्ण नहीं चाहते, बोले राधा को राधा को चाहते, बोले नहीं। इसलिए श्री रघुनाथ दास को यही चीज को समझाए, एक उदाहरण दिया जैसे कहते जो प्यारे के जो प्यारी है कहते उनसे दो गुना प्यारी है, और प्यारी के जो प्यारे हैं कहते वो चार गुण प्यारे हैं, लेकिन प्यारी के जो प्यारी है प्यारी के जो प्यारे हैं वो तो आठ गुना प्यारी है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे अगर राधा रानी कहते भैया कृष्ण के साथ में क्या संबंध, उनका प्रियतम है राधा जी में जितना प्रिय है कृष्ण के प्रति उसका डबल प्रिय है, लेकिन कृष्ण में जितना प्रिय राधा रानी उससे 14 गुना प्रिय, लेकिन राधा जी में जितना प्रिय है उससे 8 गुना प्रिय किसमें,
कृष्ण में यही रूपानुगत्व, यही अनर्पित चरित्रात, यही प्रेम है। इसलिए ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के राधा जी की अनुगत्य में रह करके जो श्याम सुंदर की सेवा है वो सर्वश्रेष्ठ सेवा है, जिसके लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं और श्री रूप गोस्वामी आसानी से जिस प्रेम को हमें प्रदान किया, यही रूपानुगत है। इसलिए हम श्री रूप गोस्वामी की श्री चरण में आए ही इनसे प्रार्थना कर, तीर्थ महाराज जी अच्छी बात बता रहे थे, ये चीज बहुत दुर्लभ वस्तु है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन रूप गोस्वामी इसका कैसे उसको प्राप्त कर सकते हो, श्रद्धा से लेकर के ये रूप गोस्वामी का विशेषत्व इन्होंने धीरे 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 वो प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हो। और गुरुदेव कहते थे, देखो जब तक तुम कोई लक्ष्य नहीं करते ना, उसको पाने के लिए चेष्टा नहीं करोगे, उसको पाने के लिए चेष्टा नहीं करोगे। देखो और एक चीज है, कुछ कुछ अभी ये बाबा जी लोग हमारी गौड़ वैष्णव को भड़का रहे हैं, बोले क्या, बोले तो छिबड़ा चिपचते हैं, ये तो छिबड़ा भी खाते हैं, ये तो रस की कथा नहीं सुनाते हैं, वो बोलते रस की, ये चीज को समझो। इसलिए ये रस ग्रंथ गोस्वामी ने प्रकाशित किया इसलिए जानने के लिए, इसलिए गुरुदेव कहते थे, इसलिए हमारे गुरुदेव को कोई उल्टा पुल्टा बोलते, अरे नारायण महाराज तो राधानुगा राधानुगा, अरे कहते अगर ये चीज को नहीं समझोगे ना, अभी बहुत सारे लोग हमारे गौड़ीय मठ इस्कॉन छोड़ करके सब बाबा जी में जाते हैं, अगर ये चीज को हम नहीं समझेंगे ना फिर तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए हमें जाननी चाहिए, प्राप्त तो किसी जीवन में करेंगे लेकिन इस चीज को ग्रंथ पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फिर इधर उधर भटकते रहोगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी चरण में हम प्रार्थना करते हैं, वे हम सबको परम कृपा किए, वो जो चीज को देने के लिए आए एक दिन जैसे वो चीज में हमारे लोग हो और एक दिन लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण, आप लोगों ने श्रीधर में जो श्रवण किया हमारे ये रूप के ऊपर बहुत जोर दिया, और सबका रूप गोस्वामी ने प्रकाश किया। रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में कहा गया, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदामयं ददाति सपदान्तिकम्। ये मनोभीष्ट क्या है, ये जो पारकीय भाव है जिसको अंग्रेजी में परामोर गुड कहते हैं। रूप गोस्वामी समस्त ग्रंथ वेद वेदांत सबसे लेकर के इसका प्रमाण करके दिखाया। जब गुरुदेव हम लोगों को भक्ति स्वामी सिंधु पढ़ाया था उसमें दिखाया रूप गोस्वामी साधक को शिक्षा दे रहे हैं कैसे प्रार्थना करना चाहिए। एक है सम प्रार्थनात्मिका दोन बधिका और लालसामयी। सम प्रार्थनात्मिका जो प्रार्थना कैसे करनी है, युवतीनां यथा जूनौ जूनिंच युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वत् मनोभिरमतां तयि। युवतीनां यथा जूनौ, एक युवक के प्रति एक युवक, युवक के प्रति युवती या युवती के प्रति युवक जैसे आसानी से आकर्षित हो जाता है, हे प्रभु मेरा मन भी आपके चरण में इसी रूप में आकर्षित हो जाए। तब गुरुदेव ने बताया युवक युवती का तात्पर्य क्या है, युवक है ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण, युवक है कृष्ण के प्रेयसियाँ उनमें सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका। फिर गुरु जी कहते हैं जैसे एक युवक एक युवती को आसानी से आकर्षण कर सकते हैं लेकिन एक बूढ़ी का आकर्षण नहीं कर सकते, एक युवती एक युवक को आकर्षण कर सकते हैं बूढ़े का आकर्षण नहीं कर सकते, उसमें ऐसे क्या चीज है, वही पारकीय भाव है। इस जगत में कोई पारकीय भाव नहीं है, ये केवल कृष्ण के ब्रज में ही कहीं नहीं है। फिर यह दैनोपति का मत्तुल्लो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे पी में लज्जा किं ब्रुवे पुरुषोत्तम करे अहो प्रभु पुरुषोत्तम। आप तो क्या कहूँ, मेरे समान कोई पापी और नहीं है, न अपराधी है जगत में, मैं आपसे किससे कहूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये कहने भी मुझे शर्म लगता है, अपने मुख से उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे हैं रूप गोस्वामी कैसे थे, नहीं वो क्या कह रहे हैं, हमें सिखाने के लिए ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। रूप गोस्वामी तो महाप्रभु के नित्य सिद्ध परिकर हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, ऐसे रूप गोस्वामी ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं, इससे अधिक नहीं। अब प्रश्न सकता है रूपमंजरी के रूप में
और रूप मंदिर के रूप में कृष्ण के साथ आएंगे, लेकिन रूप गोस्वामी के रूप में महाप्रभु के साथ एक ही बार आएंगे। फिर लालसा मोही में बता रहे हैं, कदाहनी यमुना तीरे नमानी तव कीर्तयन उद्वास्प पुंडरीकाक्षम रसई स्वामी तांडवम। ऐसे मेरा दिन कब होगा? फिर बताए कया कदा गंभीर आया बाचा श्रियाजुक्त जगतपति चामर व्यक्तम चमर व्यक्तम मामा भी कुर्वसी। ऐसा दिन कब होगा? जुगल के सर बैठे रहेंगे, मुझे कहेंगे तो चामर भजन कर देना। तो इसी का लेकर के श्रीलदास गोस्वामी कह रहे हैं, भजन करते करते समाधिस्थ हो गए, कह रहे हैं श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नभजार्पित मस्त काया हा कनक गौरी पदार बिंद संवाहना निशन कही तब किंकरी से। बोला ऐसे दिन कब होगा? रूप गोस्वामी रूप मंजरी के रूप में श्रीमती राधा ठाकुर चरण संवाहन कर रही है, राधिका कृष्ण के गोद में सिर रखकर लेटे हुए हैं, दास गोस्वामी लंचा दृष्टि से देख रहे हैं समाधि के रूप रति मंजरी के रूप में। रूप मंजरी समझ गई, बोले रति इधर आ, तू चरण सेवा कर, मैं दूसरी सेवा कर रही हूँ, चावल लेके भजन करने लगे। ऐसे सब लालसामयी प्रार्थना और इसमें दिखाया, जब गुरु जी हम लोग को पढ़ाया था एक है स्मर्तव्य सततो विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधा सुरतयो रेव किंकरा। बताए स्मर्तव्य सततो विष्णु, सब समय विष्णु को स्मरण करना है। विष्णु कौन है? व्यापनोति इति विष्णु, तो कौन विष्णु? मत्स्य विष्णु ना कुर्म विष्णु? बोले नहीं, विक्रीडितम ब्रजवधु भी इदंच विष्णु, जो ब्रजवधु के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते हुए विष्णु के लिए कहा गया है, तक ये संभव है? तो चकुथकु कह रहे नहीं, ये स्मर्तव्य सतत सततम अर्थात न तो प्रतीक्षणम बा प्रतिदिनम, प्रतिदिन स्मरण करना है, प्रतीक्षण साधक शरीर में रहते हुए संभव नहीं। ये सब सुंदर विचार रूप गोस्वामी इसमें दिखाया। अब मैं श्री रामचंद्र प्रभु से अनुरोध करता हूँ कि रूप चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें, सब पाँच मिनट बोलेंगे श्री रामचंद्र प्रभु, उसके बाद नरसिंह महाराज, श्री कृष्ण प्रभु, शांत महाराज, रोहिणी नंदन प्रभु, रमेश प्रभु, सब लोग बोलेंगे 5-5 मिनट। ज्ञान से मृंधस्य ज्ञानंजन शलाकीय चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं प्रच महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त दंडी स्वामियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। जब रामचंद्र दास की बारी आई तो 5 मिनट हो गए। वो कहते हैं वैष्णव अपराध मत करो, तो यहीं से शुरू होगा अपराध। जब 5 मिनट से ऊपर बोलेंगे तो अपराध तो शुरू होगा यहीं से। चलो जिंदगी भर करते आए तो आज राधा दामोदर जी के सामने भी और अपराध कर देंगे क्या? थोड़ा वैष्णव को उल्लंघन कर देंगे। गुरु महाराज जी यहाँ आते थे, हम सबको लेकर आते थे। कितने स्मरणीय दिवस, समाधि, रूप गोस्वामी जी की समाधि पे बैठकर रूप गोस्वामी जी का स्मरण करते, ये भजन गवाते थे, ये सब थे मैं मुझे बोलना पड़ा। यम कली रूप शरीर न धार्य, और गाने वाले हमारे कृष्णदास प्रभु जी वो भी बेचारे अभी बीमार पड़े हुए हैं, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ ताकि वो जल्दी यहाँ ठीक हो जाए। हमको
रूप अनुगा बनाने का एक भाव दिया गुरु महाराज जी ने। मैं रामचंद्र दास, ये वो दास, ये वो दास हुआ करें, लेकिन हम अब सब मिलकर एक ही थैली के चट्टे बट्टे क्या हो गए, रूपा नुगा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये रूपा नुगा का भाव गुरु महाराज जी ने दिया। रूप जी से हमारी करीबी बढ़ाई, नजदीकी बढ़ाई। जब वो महाप्रभु जी के साथ आए, रूप गोस्वामी जी के साथ हमारी नजदीकी बढ़ाई। और जब वो राधा जी की सेविका बनकर सेवा कर रहे हैं, तो रूप मंजरी के साथ हमारी नजदीकी बढ़ाई। कैसे नजदीकी बढ़ाई, कथा सुना सुना। यम कनि रूप शरीर न धरत, अगर रूप ने शरीर ना धरा, मतलब रूप मंजरी में तो वो राधा जी की मंजरी है ही है, लेकिन महाप्रभु जी के लीला में वो रूप गोस्वामी का शरीर धारण करके जो आए, तो उस समय उन्होंने इस ब्रज के प्रेम की जो एक बहुत बड़ा खजाना था उसका दरवाजा खोल दिया। तम ब्रज प्रेम महा निधि कुठले कौन कपाट, कौन खोलता है। ये वो प्रेम है जो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। झिलमिलाते हुए इसमें तरह तरह के चमकते हुए ज्वेल्स पड़े हुए हैं। सख्य भाव, वसल्य भाव, माधुर्य भाव, ब्रज का प्रेम, वो प्रेम जिस प्रेम के टॉप मोस्ट शिखर पे राधा जी की ये रूप मंजरी एकदम तरह तरह की सेवाओं में संलग्न है। वो वाला प्रेम हमको महाप्रभु जी देने के लिए आए। गुरु महाराज जी बोले कौन सा प्रेम देने के लिए आए, जिसमें रूप मंजरी राधा जी की सेवा करने में संलग्न है। अनर्पित चरिम चिरा करुणा अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम, यहाँ तक तो नहीं, स भक्ति श्रियम, अपने भक्ति की श्रीय। ये चीज खुद रूप गोस्वामी जी अपने इस श्लोक में लिख रहे हैं। वो श्रीय क्या है, राधा जी की पाली दासी, राधा जी की सेविका, ये वाला भाव, ये मंजरी भाव रूप गोस्वामी जी हमें देने आए। उसके लिए रूप गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से प्रेरणा प्राप्त की। भक्ति रथ हमने सिंधु लिखा तो पहला श्लोक में लिख रहे हैं कि मैं महाप्रभु जी से प्रेरणा देता हूँ। तो गुरु महाराज जी तो एक दिन बोल पड़े थे अपने रूप सनातन गौड़िया मठ में कि ये तो राधा जी की मंजरी है, रूप मंजरी है, इनको महाप्रभु जी से प्रेरणा लेने की क्या जरूरत पड़ गई। महाप्रभु जी कृष्ण है, वो तो खुद रूप मंजरी के आगे चरणों में पड़ते हैं कि मुझे राधा जी से मिलाओ। लेकिन महाप्रभु जी राधा जी के भाव में आ गए हैं, अब वो राधा जी के भाव को ग्रहण करना चाहते हैं, उसमें भी उन्हें रूप मंजरी की सहायता चाहिए। तो फिर उन्होंने किस तरह की प्रेरणा प्राप्त करके ये ग्रंथ लिखे, तो खुद गुरु महाराज जी ने उसका कारण बतला दिया, उदाहरण बतला दिया कि जैसे भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं तो गुरु धारण करते हैं, ऐसे ही उन्होंने ये बतलाया कि अगर रूप मंजरी भी कुछ लिखने लगेगी तो उसको भी किसी की प्रेरणा की जरूरत है। वो किसकी प्रेरणा चाहिए, वो महाप्रभु जी की प्रेरणा, उससे भी खाली काम नहीं चलेगा। फिर जितने भी वैष्णव हैं उनकी उनकी भी प्रेरणा चाहिए, उनकी भी कृपा चाहिए। फिर होगा क्या, फिर होगा क्या, देखिए यहाँ लोग वैष्णव लोग बैठे हुए हैं, मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ महाराज जी, सुनो मेरी बात को ध्यान से। रामचंद्रीय विचार श्री राधा गोविंद जी के मंदिर में, राधा दामोदर जी के मंदिर में ठीक नहीं है तो काट फाट देना। हमारे रूप मंजरी राधा जी की सेवा में लगे हुए हैं और तरह तरह के भावों की लहरियों को आस्वादन करते हैं।
मदनक के महाभाव राधा जी का महाभाव है और उसी महाभाव से चिपकी हुई है हमारी रूप मजरी और उनको इससे अलावा कोई दूसरा विचार ही नहीं आता। लेकिन वही रूप मंजरी रूप गोस्वामी बनकर आए तो महाप्रभु जी ने कहा इन सबको लिख दो, इन सबको भाषा दे दो, इन सबको ग्रंथ में ले आओ। अब कितने ऊंचे विचार, जो कि गूंगे का गुड़ भाई होते हैं, गूंगे का गुड़ भाई समझते हो, एक गूंगा गुड़ खाता है उससे पूछो कैसा है इसका स्वाद तो वो कह सकेगा, वो कह नहीं सकेगा। राधा जी के संग मंजरियां जो सेवा कर रही हैं राधा जी के भाव को, जो वो आस्वादन करती हैं, वो सदा का सवारा मंजरियां आस्वादन करती हैं, उसको भाषाविद करना कोई सरल काम है, उसके लिए उन्हें प्रेरणा लेनी पड़ी। किसकी? चैतन्य महाप्रभु जी की, कि वो जो बड़ा सखत काम है, वो जो बड़ा अद्वितीय अद्भुत और असंभव कार्य है, उस कार्य को वो सारी की सारी चीजें लिखी लिपिबद्ध कर दें कि किस तरह से एक भक्त श्रद्धा से लेकर भाव और भाव के बाद प्रेम और फिर महाभाव तक जाता है और हर चीज को परिभाषित करते हैं, ये भी एक कला है। तो रूप गोस्वामी जी ने उस कला को प्रकट करने के लिए, रूप मंजरी ने उस कला को प्रकट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु से प्रेरणा प्राप्त की और ऐसी परिभाषाएं लिख दी, ऐसी परिभाषाएं लिख दी जिसका कोई साणी नहीं, जिसका कोई मैच नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं। और हमारे गुरु महाराज जी ने बतलाया कि इन सब परिभाषाओं को आत्मसात करना ये रूपानुभव होना, जो उन्होंने ये बातें बतलाई हैं उसको आत्मसात करना ये रूपानुभव है। रूप मंजरी के साथ वो रूप मंजरी के रूप में जो राधा जी सेवा करती हैं उस भाव को आत्मसात करना यह रूपानुगा है। और इसलिए उन्होंने रूप सनातन गोड़िया मठ बताया। जैसे ही आप अंदर घुसोगे पहले रूप गोस्वामी जी की बड़ी सुंदर छवि है, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कला मह्यम ददाति सुपदांतिकम। और ऊपर चले जाओ तो वहाँ पे सेवा कुंज है, वहाँ पे वही रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी के रूप में बड़े सुंदर ढंग से श्याम रानी दीदी के द्वारा पेंट कराए गए हैं। तो ऊपर रूप मंजरी है, नीचे रूप गोस्वामी जी है, दोनों को हम आत्मसात कर ले हम रूपानुगा हो जाएंगे। एक और प्रेमानंद हरे कृष्ण नरसिंह महाराज सब पांच पांच मिनट पांच सबसे पहले मैं मदीय दीक्षा गुरुदेव शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ रिष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतरी श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्य लाभ रिष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतरी श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात श्री माधव महाराज नित्य महाराज श्रीधर महाराज शांत महाराज सभी महाराज जी के चरणों में मनाते हैं भव्य प्रणाम। सभी उपस्थित भक्तवृंद सभी के चरणों में मेरा एक भव्य प्रणाम। आज बड़ी ही शुभ तिथि है, आज हमारे महाप्रभु के मनोविष्ट संस्थापक गोविंद देव के पुनः प्रतिष्ठाता श्री रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि है। हम लोग उनके भजन स्थली और समाधि स्थली में श्री राधा मदर मंदिर में और श्री राधा दामोदर सेवाएं श्री रूपचंद्र गोस्वामी उनके बेटे लोग कनिका गोस्वामी जो बहुत ही अच्छे राधा दामोदर की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की भी समाधि, गुरुदेव उनको बहुत प्यार करते थे बच्चों कनिका गोस्वामी जी को, और बहुत सुंदर रूप से राधा दामोदर की सेवा मधुर गोस्वामी यहाँ देव गोस्वामी पाद के ठाकुर जी सब यहाँ विराजमान हैं। हमारे रूप गोस्वामी की समाधि यहाँ पर उनके समाधि में आज के दिन यहाँ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी भी यहाँ भजन किए और जगत में जो विश्व में सभी प्रचार किया सब उन्हीं की कृपा। रूप गोस्वामी की वो रूप गोस्वामी कौन थे जो मूल रूप गोस्वामी
चैतन्य महाप्रभु को पहली बार मिले, महाप्रभु स्वयं जिनको मिलने गए, चैतन्य महाप्रभु वो नहीं मिले, महाप्रभु जिनके लिए स्वयं कहाँ पर बंगाल के बॉर्डर में रामकिली ग्राम में महाप्रभु जी सन्यासी के वृंदावन में आना था, वृंदावन आने से पहले महाप्रभु सीधा रामकिली ग्राम से लेके मिले और वहाँ पर क्या बोला, बोले मैं आपको खोलने के लिए आया हूँ, आपके लिए मैं आपसे कोई कारण नहीं है, रूप गोस्वामी के लिए। उस समय उनका नाम था कबीर खास, जिस समय जो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु के पीछे पीछे लाखों लोग थे, तो महाप्रभु वहाँ पर जो हुसैन शाह बादशाह था उन्हें पूछा कि भाई कौन है, एक खत्री थे उनके माँ राजा जी से, उन्हें राजा ने पूछा कि ये कौन सन्यासी है, अधिकारी है उनका ऐसे घूम रहे उनको क्या है, पूछे तो टाल दी बात। तब कबीर खास मतलब रूप गोस्वामी को पूछा राजा ने हुसैन शाह बादशाह ने कि भाई ये कौन है, बोले जिनको तुमने राजा बनाया वही ये है, जिनके कृपा से तुम्हारे राज्य में आए वही है। हाँ तब राजा का जितने साधन नहीं होते वो स्वयं ईश्वरी है, हाँ तो ये राजा ने ईश्वर कहाँ छोड़ दे तुम जान सकते हो, रूप गोस्वामी ने ये टाल दिया, इंगित भी बता दिया। तो वो रूप गोस्वामी जिस समय महाप्रभु वहाँ पर उनको मिलने गए तो उनका नाम कबीर खास और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी का नाम साकर मल्लिक था। तो महाप्रभु ने कहा तुम्हारा नाम आश्रय रूप और सनातन, महाप्रभु ने पहले उनका नामकरण कर दिया। वो रूप गोस्वामी जो महाप्रभु कितने कृपा पात्र हैं और महाप्रभु जी कितने उनको प्रीति करते हैं, जब वहाँ से छोड़ करके महाप्रभु का दूसरा मिलन प्रयाग में हुआ, प्रयाग में जब रूप गोस्वामी आए तो महाप्रभु जी का आगे दंडक प्रणाम कर दिया। और कितना दैन्य है, महाप्रभु कहते हैं और महाप्रभु भक्त लोग कहते हैं कि रूप सनातन के द्वारा दैन्य सिखाया, कितने इतने विषय उस समय में और अभी तक उनके जैसा कोई विद्वान पंडित जिनका कृतित्व है उसके साथ कोई भी नहीं है। और वो रूप गोस्वामी इतने दैन्य, महाप्रभु बोलते नहीं 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 महाप्रभु को दंडोत प्रणाम करें, महाप्रभु को खाया गले लगाया, नहीं 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 वही बताया कि मत तुल्य नास्ति पापात्मा ना अपराध कश्चन है, मुझे ये मेरे से पापी और अपराधी में कोई नहीं है, मुझे बोलने भी क्षमा की है, ऐसे दैन्य महाप्रभु बोले इतना दैन्य मत करो, मेरे फट जाता है तुम्हारे जैसा इस जगत में ऐसा तुम्हारे जैसा कोई तू केवल मैं नीचे जाती नीचे संगी नीचे कर्मी मैं नीचे जाती मैं नीच मैंने मुसलमानों के राज में मुसलमानों का संग करता हूँ नीच संगी हो नीच कर्म मुझे राजकाज करना पड़ता है नीच कर्मी हो तो इस प्रकार में आपसे योग्य नहीं कि महाप्रभु नहीं नहीं वहाँ उस समय वल्लभाचार्य वहाँ वल्लभाचार्य वहाँ पर प्रयाग में जिसमें भेंट हुई तो देख करके वो ये क्या बात नहीं और इनके जैसा विद्वान और ये कहता कि नहीं 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 मुझे जब उनको भी महाप्रभु का इनको प्रणाम करो वल्लभाचार्य को तो उनको जब प्रणाम किया तो वो दंडक प्रणाम कर रहे हैं वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य उनको आलिंगन था जब वो पीछे पीछे हट रहे नहीं 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 मुझे आलिंगन मत करो। तो इतने महाप्रभु के प्रिय परिकर होकर इतने दैन्य उनके अंदर इतनी दीनता बोले महाप्रभु ने मेरा हृदय फट जाता है तुम्हारा दैन्य तो महाप्रभु इतने प्रिय कृपा पात्र रूप गोस्वामी उन्होंने क्या किया बोले यम कलयुग शरीर न धारत ये ब्रज प्रेम कि जो महानिधि जो कब निधि है ब्रज प्रेम की महानिधि क्या कहते कि वृंदावनियाम रस की वार्ता काले न लुप्ता निज गुप्त वित्ता संचारे जो वृंदावन की रस की वार्ता थी काल के प्रभाव से लुप्त हो चुकी थी वो सब महापुरुष रूप गोस्वामी के अंदर पूरी संचालित कर 10 दिन तक प्रयाग में रह करके महापुरुष जी ने उनको कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व सार सब सिखाए प्रभु भागवत सिद्धांत जितने रस तत्व भक्ति तत्व कृष्ण तत्व जो हम लोग देखते हैं रूप शिक्षा में वो सब महापुरुष के अंदर पुलिस जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान की कृपा की थी उसी प्रकार रूप गोस्वामी के अंदर महाप्रभु ने कृपा करके उनके अंदर सब तत्वों को भरा दिया और वही रूप गोस्वामी ने ब्रज में आकर के उसको उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति श्याम सिंह की उक्ति श्याम के ग्रंथों के द्वारा सभी लिख करके पूरा उस कपाट को उगाड़ दिया ब्रज प्रेम का कपाट क्या खोल दिया महाप्रभु के मनोभिष्ट पूर्वक महाप्रभु के जिस प्रेम को मन किया भाव को देने के लिए उन्नत उज्ज्वल रस को जिस देने के लिए आया था ब्रज में इसको लोग भूल चुके थे उसको फिर से महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के अंदर प्रेरणा करके सबके संचार करके उनको रसाचार्य के स्वयं है रसाचार्य उनको रसाचार्य बना करके उन्होंने ब्रज में जो ब्रज का प्रेम तो महानिधि में जो कपाट था प्रेम का जो ब्रज प्रेम का जो गुप्त बात थी वो सब के सामने कपाट ही खोल दिया बोले कपाट में सब ब्रज निधि होती है विशेष निधि होती है उसको बंद किया जाता है ना और रूप गोस्वामी ने क्या किया उसका कपाट खोल दिया लूटो लूट लो चाहे इच्छा हो तो
इसलिए कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो लभ्यते। मूल्यम क्या है? लव्यम एकलम कोटि सुकृत जन्म न लभ्यते। बोले ब्रज कृष्ण रस भाविता मति, अगर कृष्ण रस भाविता ये कृष्ण जो प्रेम है उसको कहें किसी के चित्त में अगर आपको लेना है तो उसको क्या मूल्य है? बोले एकमात्र लव्य मैंने उसकी लालसा होनी चाहिए कि हमको प्राप्त करना है। तो ब्रज प्रेम की जो निधि है रूप गोस्वामी ने, हमारे गुरुवर्गों ने, हमारे श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने, तो वो रूपानुग आचार्य है, उन्होंने इस रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ब्रज में और पूरे विश्व में उसको ब्रजदेश की जो प्रेम है उसको उड़ा दिया है। उनके हम जन्म जन्मांतर प्रेरित रहेंगे यदि उनके आचरणों में प्रार्थना वंशा कल्पतरु में श्री कृपा सिंधु के। हरे कृष्णा। हमारे जो गोकुल चंद्र विधर राजा है, आप लोग के निवेदन करता हूँ, गौड़ी मठ के प्रतिष्ठाता रूपा सरस्वती ठाकुर सबसे पहले गौड़ी मठ कलकत्ता बाग बाजार में प्रतिष्ठा किया था। उसी पर स्थान पर विश्व के सबसे पहला महाप्रभु का म्यूजियम उधर बन रहा है। उनका इनोग्रेशन कल 3 बजे से शाम को शुरू होगा। हमें उनमें जाना पड़ेगा। मैं उन लोगों को अनुरोध किया था, वो लोग सब गौड़ी मठ पर स्थिर करके मेरा नाम दर वक्ता के लिए रखा। इच्छा न रहने पर भी जाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग से मैं क्षमा करती हूँ और आप लोग आशीर्वाद करें। मैं गुरुवर्ग की जो वाणी है उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उसमें मैं वर्णन कर सकूँ, ये आप लोगों के आशीर्वाद से संभव है। फिर मैं 14 को हिंदो पर तक आ जाऊँगा वापिस। अब मैं श्री शांत कुमारी से अनुरोध करता हूँ 5 मिनट, इसके बाद रमेश प्रभु, धीर कृष्ण प्रभु, राम रविनंदन प्रभु, गोपीचंद जी सब बोलेंगे 5 मिनट। राधिका ईतदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि वैर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरु गौरांग राधा रमन बिहारी की, राधा दामोदर जी की, राधा गोविंद देव की, राधा गोपीनाथ की, गौर प्रेमानंदे। गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज श्रीधर महाराज, नरसिंह महाराज, सभी वैष्णव सज्जन भक्तों के चरण में यथाजी को दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज श्री रूप गोस्वामी की विरह तिथि है, यानी इसी तिथि का अवलंबन करके हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। लेकिन इस जगत में उन्होंने जो चीज दिया है उनका जैसा नाम है ऐसा काम भी है। अभी हमने पूर्व वक्ताओं के मुख से सुना है सभी का रूप दिया है। भगवान को कोई कहते हैं कि वो निराकार निरंजन, उनका कोई रूप नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सेनापति जो तीर्थमान जो सेनापति हैं कमांडर, उनके द्वारा भेजा गया, उन्होंने शिक्षा दिया, खोदी पढ़ाया लिखाया। और इस जगत में जो भगवान का जो रूप है, अगर रूप नहीं होता तो यहाँ राधा दामोदर के हम कैसे दर्शन करते हैं? उनके हम आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, तो कैसे वो निराकार? निराकार यानी जिनकी प्राकृतिक तो आकार नहीं है इसलिए निराकार। जैसे सालोग्राम है वो तो देखने में पत्थर है, फिर भी उनको ब्राह्मण वैष्णव लोग पूजते हैं, तो पूजा क्यों? क्योंकि वो पत्थर होते हुए भी क्या है, साक्षात नारायण। अगर ये बुद्धि नहीं है तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते।
भगवान का हम पत्थर देखेंगे तो भगवान का दर्शन नहीं होगा, अगर भगवान देखेंगे तो पत्थर नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। इसलिए ये सब विचारों को जानना होगा, ये सत्संग ये विचार हम समझ सकते हैं। तो आज जो शास्त्रों में तीन तत्वों के बारे में बताया, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो संबंध के आचार्य है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी है अभिधेय के आचार्य है और रघुनाथ गोस्वामी है प्रेम के आचार्य है तत्व। तो यानी संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तो हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है? तो गुरुवार को ने सीखा कि भगवान के हम दास हैं और वो मेरे प्रभु। अभी हमारे पूज्य श्रीधर महाराज जी भी बताया कि देखो हम कृष्ण के बहुत प्रकार के सखियां हैं, है ना, वक्ष विपक्ष तटस्थ वक्ष सुहित वक्ष की बात है। तो इस प्रकार ये सब भावों को हम जब साधु संघ में भजन साधन करेंगे तभी वो संभव होगा। अगर भजन साधन नहीं करेंगे, आई 5 मिनट नहीं हमारे, थोड़ी देर रहा हूँ, अच्छा चार सर पर, तो बस 2 मिनट जैसे तो कथा तो आप भी रूप सनातन में भी कथा चलेगी, कोई बात नहीं। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने तो ये सब विचारों को प्रकट किया है, तो जल्दी जल्दी इस गोपी भाव की मंत्र लेकर के हम जल्दी पहुंच जाएंगे गुरु वैष्णव को छोड़ करके। बंगाली में बोलते हैं ना, घोड़ा डिए घास खाओ, है ना, यानी बड़ों को कभी अतिक्रम करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए बड़ों को हमेशा आदर करना चाहिए और उनके छत्र छाया में रहने से, अंडर गाइडेंस गुरु वैष्णव के चरण में रहने से तभी हमारा कल्याण होगा। मैं गुरु महाराज भवंगर सिंह महाराज एक बात बता देता हूँ, वो कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, जब तक ये अभिमान हम नहीं छोड़ पाएंगे तब अपराजित मोहन मदन मोहन जो कामदेव भगवान कृष्ण हैं उनकी सेवा करना संभव नहीं है। तो गुरु वैष्णव के छत्र छाया में रहेंगे, हरिकथा श्रवण करेंगे, उनकी शासन को स्वीकार करेंगे तभी जा करके हो पाएगा। वंशा कंकुतर कृपा सिंधु में अभी आती होगी राधा दामोदर की, हम तो चाहते हरिकथा हो लेकिन टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ठाकुर जी के आदित्य की पूजा इंगित कर रहे हैं, अब लोग खड़े के आदित्य दर्शन 5 मिनट और नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने नमः। चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूप कदमह्यं ददाति स्वापदन्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्मने लीला ऋषि श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंचर समस्त वृंदीपादगण वैष्णव माताएं बहने, बोलने को बहुत कुछ है किंतु समय संक्षेप है, फिर भी एक बात जिसको आज हमारे श्रीधर महाराज जी ने भी आप लोगों को सावधान करने के लिए कहा था कि रूप गोस्वामी पाद जी ने सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए इसकी पूरी प्रणाली दी है और वो प्रणाली प्रारंभ होती है आदो श्रद्धा तत साधु संग ततो भजन क्रिया ततो नरनिवृत्ति। कि किसी पूर्वजन्म की सुकृति के बल पर, कोई पूर्वजन्म का अज्ञात साधु संग आदि के बल पर श्रद्धा की भी सेवा वासना की प्रवृत्ति हृदय में आएगी, तब जो है द्वितीय साधु संग शुरू होगा और उस साधु संग में भजन की शिक्षा प्रणाली प्रारंभ होगी, तब जो है भजन क्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन ये भजन क्रिया अभी अनिष्ठता होगी। अब उसके बाद जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तब जो निष्ठा है वो नैष्ठिकी भजन क्रिया है,
और नष्ट की भजन क्रिया करने पर क्या होगा, रोचकता आएगी, स्वाद आने लगेगा। यद्यपि बुद्धि पूर्वक होगा स्वाद के नहीं भाई, भगवान की शरण लेनी चाहिए। संसार में बहुत दुख है, वैष्णवों की संस्कृति में बड़ा सुख है, भगवान की सेवा में बड़ा आनंद है, और भगवान कई बार आके हमारे आंसुओं को पोंछते भी हैं। इन प्रकार की बुद्धि वृत्ति के द्वारा रुचि तो उदित होगी, लेकिन ये रुचि किसमें उदित होगी, भक्ति के अंगों में होगी, भजनीय भगवान में ज्यादा नहीं होगी। लेकिन भक्ति के अंगों का पालन करते करते यही रुचि भजनीय भगवान में हो जाएगी, और उसी को हम लोग आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति के बाद जो है कृष्ण का भाव उदित होगा, कृष्ण के प्रति भाव उदित होगा, कृष्ण के परिकरों के प्रति भाव उदित होगा, और आत्मा रूपी दर्पण में कृष्ण और परिकर ऐसे प्रतिबिंबित होने लगेंगे कि वो साक्षात हमारे को हमारा दिग्दर्शन कर रहे हैं। ये भाव की स्थिति है। अब बात आती है बाबा जी संप्रदायों की, तो वहां पर कोई भी जाता है तो उनसे एक आ जाता है कि भाई जब तक तुम्हारा स्वरूप ही तुम्हें मालूम नहीं तो तुम साधन किसका करोगे। इसलिए वहां पर स्वरूप पहले दे दिया जाता है, अवस्था बता दी जाती है, और मंजरी आदि का नाम रख दिया जाता है। लेकिन रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि नहीं, सिद्धि की प्रणाली ये नहीं है। सिद्धि की प्रणाली क्या है, आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया। पहले आप साधु संग करेंगे, साधुओं के मुख से निश्चित जो वाणी है उसका श्रवण करेंगे। वस्तु तो कृष्ण प्रेम है, लेकिन जैसे एक कंप्यूटर में सारा डेटा भरा हुआ है एक वस्तु के रूप में, किंतु उसको खोलने के लिए क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। वही गुरु निश्चित जो वाणी है, वही कृपा है, वही पासवर्ड हो करके इन सब रहस्यों के ऊपर से क्रमशः पर्दा उठाएगी, और आपकी जो है कृष्ण में नैष्ट की भजन क्रिया प्रारंभ होगी। उसके प्रसाद जो रुचि होगी वो रुचि आसक्ति में परिणित होगी, और तब जा करके भाव उदित हो जाएगा। ये कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है, इसमें आपको स्वयं माली बनना पड़ेगा। कह रहे ना रूप गोस्वामी, माली हो या करे सही बीज आरोपण, और श्रवण कीर्तन जने कराए सिंचन। देखो फिर भगवान ने आपके सिर पे ही डाल दी सारी जिम्मेदारी। कृपा गुरुदेव की है, वैष्णवों की है, भगवान की है, लेकिन माली कौन है, माली हम स्वयं हैं। जरा सी उत्साह में कमी आई और भजन धड़ाम हो के नीचे। आज प्रभु जी ने गाया जंकल रूप शरीर न धारण। पहले कृष्णदास जी गाते थे, बड़ी अच्छी धुन थी, बोल की तरफ तो बाद में ध्यान जाएगा, पहले संगीत की तरफ ध्यान जाता है। पिछली तभी आस्वादन कर पाएंगे हम कि जब जीव उसको आस्वादन करने का बल होगा। अगर जीव पे मित्रा से इकट्ठा है, पीलिया हो रखा है, तो मिश्री का आस्वादन नहीं होगा। लेकिन कृष्णदास जी जिस तरीके से गाते थे बड़ा आनंद आता था, कुछ प्रेरणा होती थी। लेकिन अब पता लग रहा है कि हमारे पास बल नहीं है, बोल तो वही है, जंकल रूप शरीर न धारण है, लेकिन अब वो आनंद नहीं आ रहा, वो किसकी नहीं आ रहा कि हमारी आसक्ति कहीं और है। इसीलिए गुरु वैष्णव के चरणों में निवेदन है, गुरु पार्षद के चरणों में निवेदन है कि हमें वो शक्ति प्रदान करें कि हम ऋषि का सब अवस्थाओं में आस्वादन कर सकें, और क्रम से साधन में मन बढ़ते वैष्णव अपराध से बचते हुए भगवान के चरणों में शरणागति करें, भगवान के प्रति हमारा भाव उदित हो, और वही भाव गाढ़ा होकर के प्रेम भक्ति में परिणत हो जाए। यही कहकर के मैं अपनी वक्तृता समाप्त करता हूँ। गौर प्रेम आनंदे। आप लोगों ने श्रवण किया हमारे गुरुदेव के प्रिय भक्त कनिका प्रभुदा है, मैं सुंदर करता हूँ, ठाकुर जी का वर्णन कर दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राधा दामोदर लाल की, श्री रूप गोस्वामी पाद की, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी पाद की, नंद स्वामी माधव गोस्वामी पाद की, समस्त संध्या जीवन समस्त भक्त बिंदुओं को मेरा प्रणाम। बीच में दर्शन करिए, राधा दामोदर लाल है, बाई तरफ श्रीमती राधा रानी है, दाई तरफ भक्ता सखी है, ये सब श्री गोस्वामी जी के ठाकुर हैं जिनका ये मंत्र है।
Yeah.